टाइटल और थंबनेल देखने के बाद पता चल गया होगा क्या होने वाला है इस वाली वीडियो में। तो देखो अब क्या होता है आगे। यहाँ पर मेरी स्क्वाड छोड़ के 6 बंदे बचे थे और हम पूरे चारों के चारों एक स्क्वाड के अलाइव थे और सर्कल हमें भी फेवर कर रहा था और बाकी के टीम को भी फेवर कर रहा था। अब आपको पता चलेगा एंड सर्कल में आप अगर आपकी पूरी स्क्वाड जिंदा है तो क्या हो सकता है भाई। अब यहाँ पर एक एम को सिंगल शॉट पे रख के कर दिया, एक बंदे को नॉक एंड फिनिश और एक बंदा हो गया था नॉकआउट। अब यहाँ पर पुश कर देना चाहिए था, लेकिन ओपन में पुश करना सेहत के लिए हानिकारक होता है क्योंकि जो रिवाइव करने वाला बंदा है वो अगर टीपीपी लेके बैठेगा तो ओपन में रश करना महंगा ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर दो नंबर ने बग्गी उठा के रश कर दिया और तभी ये बंदा बाहर आ जाता है। अब भाई साहब ओपन में बाहर आना मतलब उसके लिए हानिकारक हो गया और मैंने उसकी पेटी बना दी। अब बचे थे 8 बंदे बचे हैं। तब तक आप फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके दोस्त भी ये वीडियो देख सके। तभी भाई अपने दो नंबर ने एक बंदे को नेड करके फिनिश कर दिया। अब बंदे बचे हैं 7, 7 में से हम गए 4, मतलब 3 बंदे बचे हैं। एक स्क्वाड का एक बंदा, एक स्क्वाड के 2 बंदे और हम 4। अब 4 का मार ऐसा है कि ये चिकन डिनर अपना ही होने वाला है। तभी भाई साहब मैंने मेरी तीसरी आँख खोल के देखा, एक बंदा ओपन से भाग के आ रहा है और उस पेड़ के पीछे सो गया। अब मैं इधर लेटा था, उसको मेरी आइडिया नहीं थी, लेकिन मुझे उसकी आइडिया थी वो किधर लेटा है, बस मुझे उसको पोषण करना था और स्प्रे देना था। बचा हुआ काम 3 नंबर ने कर दिया, बंदा बचा है ये और वो बंदा लोकेट है सामने वाले पेड़ के पीछे, वो बंदा है। इसी तरह से अगर आप आपके एंड सर्कल में पूरी स्क्वाड को लेके खेलोगे और कवर का अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो हर बार आप चिकन डिनर ले सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।